हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल माय पेट्स एंड पुप्पी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं सुबह से इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी रैबिट से रिलेटेड बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी करने के लिए सोच रही हूँ, तो देखते हो कितना दूर मैं इस वीडियो में कर पाती हूँ। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन भी मैं शेयर करूँगी रैबिट एंड उसके बनी से रिलेटेड। और अभी फ़िलहाल तो मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, और आज मैं ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ इडली डोसा, जो कि मैं बाहर गई थी सुबह के टाइम में, तो बाहर से लेके आई हूँ, घर में नहीं बनाई हूँ। तो ये वाला, और जो व्हाइट कलर की चटनी होती है या फिर वो क्या होती है पता नहीं, वो बहुत पसंद आती है मुझे। तो चलिए मैं झटपट ब्रेकफास्ट कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। मेरे चैनल में न्यू हो, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आगे जो भी मैं वीडियोस लाऊं आप लोगों के फ़ोन पे वो नोटिफिकेशन मिल जाए। और फिलहाल मेरी मम्मी भी ब्रेकफास्ट लेके बैठ गई है इधर पे, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ मैं और मम्मी, फिर मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। ब्रेकफास्ट तो हो गई मेरी कंप्लीट, और जब मैं बाहर गई थी तो बाज़ार से आज मैं लेके आई थी टैंगरा फ़िश। तो बंगाली स्पेशल टैंगरा फ़िश मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो मेरी और एक जो दूसरे चैनल है उसमें आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, और वो चैनल की नेम मैं नीचे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, देख सकते हो आप लोग, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आपको लिंक मिल जाएंगे, तो ज़रूर एक बार जाके चेकआउट कर लेना। उसमें भी मैं व्लॉग्स अपलोड करती रहती हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी टैंगरा फ़िश, तो उसका रेसिपी आप लोगों को मेरे दूसरे चैनल में मिल जाएंगे। फिलहाल मैं आ चुकी हूँ मेरे ऊपर के रूम में, मेरी बनी के पास, उनके छोटे छोटे बनीज को देखने के लिए कि बनी ने उसको फीडिंग करवाई है या फिर नहीं। और अगर मुझे लगे कि छोटे छोटे बनीज के टमीज फुल नहीं है, तो अभी मैं उसको फीडिंग करवाऊंगी, एंड किस तरीके से करवाती हूँ वो भी मैं दिखाऊंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। फिलहाल तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि बनी बहुत अच्छे माँ बनी है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से अपने बच्चों की केयर करते हैं, और मैं उसी के पास उसके बच्चे को रखती हूँ, कुछ भी नुकसान नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आज तो फिलहाल 2 दिन हो गए हैं मेरी बनी ने बच्चे दिए हैं, तो कल दिए थे और आज लेके 2 दिन हुई है। तो चलिए जल्दी से जल्दी, बनी को भी भूख लगी है, उस चक्कर में बनी भी खा लेंगे, और 2-3 प्रोसेस में आप लोगों के साथ दिखाऊंगी फीडिंग करवाने की, आप किस तरीके से फीडिंग करवा सकते। तो चलिए आज मैं पहला तरीका दिखाती हूँ मैं किस तरीके से बच्चों को फीडिंग करवाती हूँ। चलिए, तो सबसे पहले तो बनी को मैं इस तरीके से अब बाहर आने के लिए बोलती हूँ, तो वो बाहर आ जाएंगे। अभी आप लोग देखिए, तो ये देखिए वो बाहर आ गए। तो अभी इसके अंदर से मैं उसके बच्चे को निकालूंगी। तो इसके टम्मी आप देख सकते हो, बहुत ही छोटू सी है, एंड बिल्कुल माँ पे गई है, बनी पे गई है, सिम्बा की तरह नहीं है दिखने में। तो ये 2 दिन की बेबी है, आप लोग देख सकते हो, छोटू सी नाक, छोटू सी कान, और ये देखिए अभी वो मम्मी के पास जाने के लिए मांग रही है, और इसका टम्मी फुल नहीं है अभी। अगर फुल होते तो ये बिल्कुल गोल राउंड जैसे होते। तो आप लोग देख सकते हो छोटू सी बेबी को। ओके, तो चलिए मैं उसकी मम्मी के पास छोड़ देती हूँ, और सॉरी, तो ये है उसके दूसरे बेबी, ये देखिए। तो चलिए मैं उसकी मम्मी के पास छोड़ देती हूँ, एंड मैं आपको दिखाती हूँ 1 सेकेंड। बेबी बनीस को मैंने रख दिया है उसके फीमेल के पास, ताकि वो अच्छी तरीके से मिल्क पी पाए। लेकिन गाइस, अगर इस तरीके से आप लोग भी ट्राई कर रहे हो, तो मैं कुछ कुछ टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी पड़ेगी। सबसे पहला चीज़, पैरों के नीचे ना दब जाए। मैंने बहुत बार नोटिस किया है, रैबिट को उतना ज़्यादा समझ नहीं आती, उसके बच्चे के ऊपर वो पैर से दबा देते हैं बहुत ज़ोर से, या फिर उसके नेल लग जाते हैं, खून निकल आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो
हमेशा जब भी आप मिल्क इस तरीके से फीडिंग करवा रहे हो या फिर एक साथ आप रख रहे हो बच्चों के साथ अपने फीमेल रैबिट को, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए ताकि उसके पैरों के नीचे ना आ जाए, तो आप इमिडिएटली उसको पैरों के नीचे से हटा दीजिए। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से वो फीडिंग कर रही है। और गाइस मैं और एक चीज़ कहना चाहती हूँ और एक टिप्स देना चाहती हूँ, जब आपके फीमेल रैबिट भूखे हो उस टाइम पे अगर आप लोग फीडिंग करवाएंगे बच्चे को, जैसे कि मैं करवा रही हूँ, तो बनी अभी खाने में व्यस्त है, बिजी है, तो बच्चे भी वो अच्छी तरीके से फीड कर पा रही है, तो फीमेल रैबिट भाग नहीं रही है। और गाइस अगर आपके फीमेल रैबिट इतने शांत होकर अपने बच्चे को फीड ना करवाती हो, देन आप उसको हल्के हाथों से पकड़ के रखिए ताकि वो भाग ना पाए। ज़्यादा फोर्सफुली कुछ भी मत कीजिए ताकि कुछ भी चोट ना पहुँचे रैबिट को, फीमेल रैबिट को। तो सबको ही आपको ध्यान में रखनी है, किसी एक की वजह से दूसरे को चोट ना लगे, इस चीज़ का ध्यान में रखनी है। तो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं बच्चों को फीड करवाने के लिए, तो ये पहला इजी स्टेप है जो कि मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो दो दिन में जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुई है, धीरे धीरे मैं किस तरीके से क्या करवाती हूँ, एज अ रिप्लेसर मिल्क के बदले में मैं क्या देती हूँ, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आपके बनीज अगर बनीज़ को अगर उसके फीमेल रैबिट फीड ना करवाती हो तो आप किस तरीके से बेबी बनीज़ को बचा सकते हो, सब कुछ। तो ये आइडिया आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप लोगों को भी कुछ आइडिया है, आप लोग चाहते हो मैं वो चीज़ को फॉलो करूँ, तो आप लोग भी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और फ्रेंड्स मैं और एक चीज़ भी बताना चाहती हूँ, मेरे बनीज़ को जो भी बेबी बनीज़ है उसके फीमेल के साथ ही मैं रखती हूँ, कुछ भी नुकसान नहीं करते हैं, तो उसका भी प्रोसेस मैं आगे चल के आप लोगों को वीडियो में ज़रूर बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपके फीमेल रैबिट के पास है उनके बच्चे सुरक्षित रहे और एक दूसरे से अलग भी ना करनी पड़े, सब कुछ अच्छे से हो जाए, वो चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो कितने प्यारे प्यारे बच्चे आप लोग देख सकते हो, कितना क्यूट है।